चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। इफ मास स्पीड एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ आर इंक्रीज बाई 50%, द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विल हैव टू इंक्रीज बाई, जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे क्या कह रहा है, मास को 50% इंक्रीज किया जाता है। मान लो इनिशियल मास है m, तो फाइनल मास कितना हो जाएगा, m इनटू m प्लस 50%। 50% का मतलब कितना हो गया, m प्लस m इनटू 50/100 यानी m इनटू m बाय 2, m प्लस m बाय 2 फाइनल मास हुआ, m प्लस m बाय 2। इसी तरह अगर वेलोसिटी यानी स्पीड है v, तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, v प्लस v बाय 2, करेक्ट। और रेडियस, रेडियस इनिशियल रेडियस अगर r है और फाइनल रेडियस कितना हो जाएगा, r प्लस r बाय 2। तो इस लॉजिक से फाइनल मास कितना होगा, 3m बाय 2। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 3v बाय 2। फाइनल रेडियस कितना हो गया, 3r बाय 2, ठीक है। तो इनिशियल फोर्स जो था वो कितना था, mv स्क्वायर सेंट्रिपेटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r होता है, इनिशियल सेंट्रिपेटल फोर्स इतना था। फाइनल सेंट्रिपेटल फोर्स कितना हो गया, 3m बाय 2 इनटू वेलोसिटी 3v बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3r बाय 2, 3 बाय 2, 3 बाय 2 कटा m बाय r, लेकिन ये 9 बाय 4 हो जाएगा, 9 बाय 4 इनटू v स्क्वायर। तो फाइनल फोर्स हो गया 9 बाय 4 m v स्क्वायर बाय r। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं, कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स में जो परसेंटेज चेंज होगा, v फाइनल, f फाइनल माइनस f इनिशियल अपॉन f इनिशियल ब्रैकेट में इनटू 100, ये परसेंटेज में आएगा। तो फाइनल फोर्स कितना है, 9 m v स्क्वायर बाय r माइनस इनिशियल कितना है, 9 m v स्क्वायर बाय r है डिवाइडेड बाय m v स्क्वायर बाय r और इनटू 100। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 4 है ना यहां पर, ये कितना हो जाएगा, 5 बाय 4 हो जाएगा ये, ठीक है, इनटू 100। तो 5 बाई 4 इंटू 100 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 बाई 4 500 डिवाइडेड बाई 4%। तो 500 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 125%, करेक्ट है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।